नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एक वेदर रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार इस समय बताए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश के लिए तो भारी चेतावनी भी है। भोपाल, कोणक, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों में काफ़ी बरसात आने की संभावना बताई जा रही है। इतना ही नहीं कहीं कहीं मूसलाधार बारिश भी होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के लिए यह एक चेतावनी की सूचना है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में कुछ स्थानों पर तेज और अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज़ वर्षा हो सकती है, जबकि ओडिशा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और अन्य कई तटीय आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में अलग अलग हिस्सों में तेज मगर बहुत तेज़ बारिश के आसार हैं। इसी दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ और मराठवाड़ा और तटीय उत्तर आंतरिक कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर तेज़ बारिश हो सकती है। उत्तर मध्य और दक्षिण पश्चिमी अरब सागर, मध्य बंगाल की खाड़ी और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तटों और तटीय आंध्र प्रदेश में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ गति से हवा चलने का भी अनुमान है। इसलिए मछुआरों को अगले 24 घंटे के लिए और इसी दौरान क्षेत्र में उद्यम नहीं करने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के 19 जिलों में कहीं कहीं फिर भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। दोस्तों इन दिनों पूरे देश में अलग अलग जगह पर बाढ़ की चेतावनियां भी दी गई हैं। भारी बरसात के कारण काफ़ी मकान जो हैं वो ढह चुके हैं। हर जगह बारिश के कारण बुरे हालात हैं। सीवरों से इस समय पानी ओवरफ्लो हो रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर तथा आसपास में हुई भारी बारिश और वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि शुक्रवार को इसमें कुछ सुधार हुआ है। हरियाणा में भी अलग अलग जगह पर कई दिनों से लगातार लेकिन कम या ज़्यादा तौर पर अलग अलग क्षेत्रों में बरसात काफ़ी आ रही है। फसलों के लिए कहीं कहीं ये फ़ायदेमंद है तो कहीं भारी नुकसान भी। इस वीडियो में आप देख सकते हैं स्वयं की अलग अलग जगह पर कैसे बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। मकान पानी के अंदर डूबे हुए हैं, आधे से ज़्यादा डूब रहे हैं कहीं कहीं और कहीं आधे डूबे हुए हैं। लोग रिक्शा और साइकिल से पैडल चला करके बरसात के पानी को पाट रहे हैं। गाड़ियां इस समय वहां बंद पड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि वडोदरा शहर में 31 जुलाई को ही एक ही दिन में 499 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो वहां की सालाना औसत वर्षा से 50% अधिक थी और वह भी एक ही दिन में। हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में बग स्थोतर में खड़ के अंदर आए हुए पानी के तेज बहाव के अंदर एक पिता और उसकी पुत्र सहित दो बेटियां भी पानी में बह गई, लेकिन वहां आसपास मौजूद चरवाहों की हिम्मत से उन्हें निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि खड्ड के किनारे मौजूद स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए चारों को पानी से बाहर निकाला। खैर ये बरसात जहां फ़ायदेमंद है वहां थोड़ा बहुत नुकसान तो स्वाभाविक है, लेकिन इससे भूमिगत जल स्तर काफ़ी ऊपर आएगा। किसानों के लिए ही नहीं बल्कि वन जीव जंतुओं के लिए भी ये वरदान है। इसके कारण सूखी हुई नदियों में जल स्तर बढ़ेगा, पहाड़ों में फिर से रौनक लौटाएगी। वहीं मैदानी इलाकों में हरे भरे घास के कारण जंगली और आवारा मवेशियों के लिए फ़ायदेमंद है, तो वहीं पालतू पशुओं के लिए भी ये वर्षा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। इसी के साथ आप देखें पल पल की विशेष रिपोर्ट। लाइक ना भूल करो। जाने नहीं थे को जाने नहीं थे को जाना तो भाई।